हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, ये अगला दिन है, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। एंड अभी मैं जाने वाला हूँ पटना के लिए, निकलने वाला हूँ, मतलब अभी जाऊँगा मैं पटना, क्योंकि मेरे को वो जितने भी एप्लीकेशन मैंने फॉरवर्ड कराए थे वो सारे के सारे एप्लीकेशन मेरे को अभी जमा करने हैं। तो अभी बज रहा है सुबह के 7:30 एंड मैं बिल्कुल नहा के रेडी हो गया हूँ। नीचे गाड़ी भी वैसे रेडी है, कल जैसे ला के लगाया था, थोड़ी बहुत साफ़ करना है। और फिर मैं और वो जो भैया थे लास्ट व्लॉग में, वो एंड एक ड्राइवर जाएंगे मेरे साथ पटना। एंड फिर पटना जाके मेरे को फॉर्म वगैरह सबमिट करने के बाद एक दो दोस्त मिलेंगे, उनके साथ मैं जाऊंगा हॉस्टल या फ्लैट जो भी होगा, मतलब हॉस्टल या रूम जो भी देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पटना स्टे करने के लिए। यही सब सीन है भाई। बाकी अभी मौसम आज थोड़ा थोड़ा सुबह सही तो लग रहा है, आई डोंट नो कि आगे धूप होगी या नहीं, बट अभी मौसम फ़िलहाल सही है। ये मेरी गर्मा गर्म चाय के साथ कुकीज़, और ये मेरे को लग रहा है बहुत प्यारे कुकीज़ होंगे, वो हो बीका जी के कुकीज़। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा चाय के साथ कुकीज़ लेके। तो गाइस, मेरे को निकले हुए ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गए हैं एंड हमारी गाड़ी चल चुकी है 42.3 किलोमीटर। मैं अभी दिखा रहा हूँ। एंड गाइस देखो, सुबह से मौसम इतना प्यारा था, इतना प्यारा मौसम था कि मैं क्या बताऊँ, बट अभी अभी भाई धूप निकल गई, वो भी तगड़ी वाली, इसलिए मैं गाड़ी लेके आया था। एंड हमारे साथ दो लोग और आए हैं, वो उनसे मैं मिलवाऊँगा अभी। एंड फिलहाल ठीक है, ड्राइव तो खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी जाना है आराम आराम से, तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो गाड़ी चल गई है 42.3 किलोमीटर एंड अभी एवरेज कितनी की दी है इसने, 18.3। तो भाई एवरेज ठीक ठाक दे देती है, और रेंज दिखा रहा है 302 किलोमीटर। 42.3 किलोमीटर चल गया गाड़ी मेरी एंड एवरेज तो भाई बहुत ही प्यारी दे रही, मतलब 18.23 कम तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड अभी बिल्कुल आराम आराम से जा रहे हैं, आई होप कि सारा काम हो जाए जल्दी। तो अभी हम पहुंचे हैं टोल प्लाजा पे एंड ये देखो भाई फास्टैग काम करती है कि नहीं, आई डोंट नो, काम तो करना चाहिए। वो देखो उसने पैसे दे दिए, बट मैं देखता हूँ मेरी फास्टैग काम करती है कि नहीं। पहले तो नहीं कर रही थी, बट फिर मैंने रिचार्ज वगैरह किया तो करने लग गई है। अभी फिलहाल देखना कि काम करती है नहीं। पैसे तो ऑलरेडी मैंने डाल रखे, 300 रुपये का मैंने रिचार्ज किया था। देखो एक बार भाई मैं 5000 डाल के फंस चुका हूँ, 5000 मेरे गए, वो डूब गए, पता नहीं फिर क्या हुआ नहीं हुआ। चलो भाई अपना वो कटवाते टॉल, देखते ऑटोमेटिक कटती या नहीं। तो गाइस हमारे ग्रीन सिग्नल जल चुकी थी, तुम्हारा टॉल भाई सक्सेस हो गया, हमारी फास्ट टैग काम कर गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको जाम एंड बहुत देर से ऐसे लाइन में खड़े हैं जाम में, और ये तो भाई समर का जो लव बाइट दिया, समर ने बहुत प्यारा दिया है, अभी तक निशान है, ये हट नहीं रहा और लहरता अलग है। ये देखो भाई जाम में खड़े हैं, अच्छा टाइम हो गया हमारा, अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो रहा है, 10:28 हो रहा है, पटना तो पहुँच गए हैं, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड हमारे साथ देखो कौन आया, हमारे साथ आए ड्राइवर अंकल साथ में, इनको लाना भाई बहुत ज़रूरी था, इनके बगैर काम ही नहीं होता। देख रहे कैसे हंस रहे हैं, ओहो भाई बहुत हंसते हैं भाई, मुस्कुराते रहते हैं, इनके बगैर कोई काम ही नहीं होता। इनको लाना बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आए भी, एंड हम जाम में फंसे हैं, तो जितना जल्दी जाम से छूटेंगे उतना ही जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे और अपना काम करवाएंगे। फिलहाल देखो कब ये छूटती है जाम। 6.5 hours later.
रात के 8:15 बजे पहुँचा अपने घर। फिलहाल मैंने गाड़ी पार्क कर दी है एंड फटाफट मैं घर चलता हूँ, थोड़ा फेस वगैरह धोते हैं एंड रेस्ट करेंगे। भाई थक गया गाड़ी चला के। आज भाई आज मेरी गाड़ी चल गई 212 किलोमीटर पूरी। मैंने ट्रिप जीरो कर दी थी ना, एवरेज दिया भाई 17.9। पूरा रोड ख़राब था पूरा का पूरा एंड रेंज अभी दिखा रहा 75, डीजल ख़त्म है भाई। आने टाइम तो एवरेज बहुत गंदा दिया बट कोई नहीं, चलो फिलहाल अभी यहाँ से चलता हूँ मैं।